नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं इन वेस्ट चीज़ों से एक प्यारा सा तोरण बनाना, जो कि मार्केट में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है और आप घर की चीज़ों से घर में अपने हाथों से बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर दो कलर का कपड़ा ले रही हूँ, आप चाहें तो एक कलर से या जिस जो भी कलर का कपड़ा आपके पास अवेलेबल हो उससे बना सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, हमने कार्डबोर्ड को सर्कुलर शेप में कट किया हुआ था गोलाई में। तो अगर आप गोलाई में बना रहे हैं तो इस तरीके से कपड़े को ट्रिम कर लीजिए, छोटा छोटा मीन्स कट कट लगा दीजिए, ताकि वो इस तरीके से फोल्ड होने में उसे कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको डायमंड शेप या स्क्वायर शेप में बनाना है तो वो अलग चीज़ है। एंड बस इसे लगा देंगे और हमारे पास 5 पीसेस इसके रेडी हो गए हैं। इसे बॉर्डर देने के लिए मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर, और लेस लगाने से काफ़ी देखेंगे कि काफ़ी फिलिंग हो चुकी है। इसकी जगह आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास फ़िलहाल अभी लेस थी तो लेस का मैं इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ही झटपट इससे हो जाता है। तो ये इस तरीके से हमें सारे पीसेस को चिपका दिया है। अब यहाँ ले रहे हैं जो हमने पिंक कलर का जो कटआउट लिया था सर्कल, उससे थोड़ा छोटा रखना है हमें ये दूसरे कलर वाला। तो यहाँ पर देखिए इसे भी हम चिपका देंगे। तो हमने जो सर्कल कट किया है वो आप अपने डोर के हिसाब से मेजर करके लगा सकते हैं, और जो चौड़ाई लंबाई है वो अपने हिसाब से कर सकते हैं छोटा बड़ा। तो बस इसे भी हम इसी तरीके से 4 या 5 पीसेस में आप इसे सजा सकते हैं, मतलब रेडी करके रख सकते हैं इसी तरीके से जैसे लेस से हमने वो पहले वाले किए हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ थिन पेंट ब्रश एंड एक्रिलिक, गोल्डन कलर जो होता है ना वो कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो आपके पास अगर फैब्रिक पेंट हो या फिर कोई ट्यूब कलर्स हो या फिर क्ले हो, आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मुझे सबसे ईजी जो लगा मेरे पास जो अवेलेबल था वो था एक्रिलिक कलर। तो इन्हीं से हम लिखने वाले हैं शुभ लाभ, अपनी जो हमारे गणपति जी हैं ये भी मैं बना रही हूँ, ओम भी लिखेंगे, स्वास्तिक भी बनाएंगे। इसीलिए हमने ये जो है ना 5 कटआउट्स लिए हैं। अगर आपको कम लेने हैं, कम बनाने हैं या ज़्यादा बनाने हैं, कुछ और लिखना है, तो इस हिसाब से अपने जो सर्कल्स हैं वो बढ़ा सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने शुभ लाभ और ओम बना दिया है, स्वास्तिक भी बना दिया है। तो सारे हमारे जो हैं अच्छी अच्छी जो शुभ होते हैं, दिवाली या दशहरा तो हो चुका है, तो बस वो कर लिए हैं। अब ये जो येलो पार्ट है ये इस पर जो मैं चिपका रही हूँ, मेरे पास लेफ्ट ओवर कुछ बीड्स पड़े हुए थे उनको लगा रही हूँ। आपके पास मिरर्स हो या कुछ और हो आप लगा सकते हैं। अब ले रहे हैं हम गोल्डन कपड़ा, ये लेस और बुकरम, तो इससे हम बेस बनाने वाले हैं। तो मेरे पास ये गोल्डन कपड़ा भी था घर पर और बुकरम भी था, तो इससे क्या है हमारा एक स्टिफ जो है हमारा एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें लगाने वाले हैं। तो बस सिंपली हमें इसे ग्लू लगाकर स्टिक करना है। अगर आपके पास ये ग्लू नहीं है या आप ग्लू नहीं करना चाहते तो आप मशीन से भी कर सकते हैं। मेरे पास मशीन नहीं थी तो मैं उससे ही आपको करके दिखा रही हूँ। तो बस इसके बाद क्या करना है, सारा हम चिपका देंगे अच्छे से, और चिपकाने के बाद आप देखेंगे कि जो इसकी एजेस होती हैं उनको भी हम अच्छे से फोल्ड करके एक अच्छे से एक साथ कर लेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं किया तो फिर हमारा वो अच्छा नहीं दिखता है। तो ये भी सारा हमने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें इस पार्ट को केयरफुली टक करना है, क्योंकि अगर थोड़े बहुत धागे निकल गए तो वो फिर ख़राब हो सकता। तो हमने उसको पूरा अच्छे से टकिंग कर दिया है और चिपका दिया है, और बस यहाँ पर हमारा बेस रेडी हो गया है। अब क्या करना है, जो हमारी जो लेस है ये कलरफुल वाली लेस आप देख रहे हो ना, इसको मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप जो है सो आपके पास गोल्डन लेसेस हो या फिर साड़ी का कोई बॉर्डर बेकार पड़ा हुआ वो भी आप चिपका सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड फिर इसके बाद जब हमारे दोनों पीसेस रेडी हो गए तो हम सेंटर पार्ट ले लेंगे इस तरीके से, और सेंटर पार्ट पे मैं अपने गणपति जी को लगा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे गणपति जी विराजमान हो गए हैं, एंड इनके साइड्स में मैं ये लगा रही हूँ येलो, मीन्स हमें इस तरीके से लगाना है कि येलो पिंक, तो इसीलिए दो कलर हमने चूज़ किए थे। और बस यहाँ पर शुभ लाभ जो है उनके अराउंड भी, तो हमारे फुली जो ये पिंक कलर के जो पीसेस हैं ना वो कम्प्लीटली इसमें एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने डोर की लेंथ के हिसाब से ये जो कटआउट लिया था बुकरम का, तो ये इसी के हिसाब से पहले जो सर्कल्स हैं मेजर करके वो रख लिए थे। अब ले रहे हैं हम कुछ और मोती एंड कुछ पॉम बॉल्स। ये पॉम बॉल्स आप ऊन से बहुत आराम से बना सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, नहीं तो मार्केट में तो मिल ही जाते हैं, बट मैं ऊन में फिंगर में ऐसे रोल करके बना देती हूँ इसे। अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो दिखा दूँगी कि किस तरीके से आप इन्हें भी बना सकते हो। तो बस ये दो लेकर अलग अलग कलर्स से हमने इसे इनके बंचेस बना दिए हैं। तो इन बंचेस को क्या करना है,
हम बीच बीच में इस तरीके से लगा देंगे। मीन्स बीच में मैं तो यहाँ पर लगा रही हूँ पिंक कलर के ऊपर, और कपड़ा ऊपर से चिपका दिया है ताकि जो है ये निकले नहीं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ग्लू लगाना है और इस तरीके से अपनी थ्रेड को रखना है और इसके ऊपर कपड़ा लगा देंगे। मीन्स वो हमारा कवर भी हो गया। तो हमारे सारे जो ये आप देख रहे हो ना, हमने लगा दिए हैं। और स्ट्रिंग बनाने के लिए मैं लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप ऊन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या कोई और धागा आपको लेना है वो ले सकते हैं। और साइड्स जो हैं, साइड्स में बस क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस रखा हुआ था तो बस इसमें मैं निकाल कर इस तरीके से लगा दूँगी। आप चाहें तो पूरी डोरी को ये साइड्स में चिपका भी सकते हैं, टॉप में अगर आपको लगे कि दरवाजे में जगह कुछ इस तरीके से है तो उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये एक साइड में हो गया। मैंने बांधने के लिए इसे थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है ताकि डोर में हम अच्छे से इसे टाई कर पाएँ। और इस तरीके से नॉट्स बांधकर अगर हुक में ऐसे ही लगाना है तो वो भी लगा सकते हैं। गोल्डन इसलिए लिया है क्योंकि पूरा ये गोल्डन में है तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस ये दोनों तरफ हम इस तरीके से सेट कर देंगे और हमारा जो तोरण है लगभग तैयार हो ही गया है। तो दोनों साइड्स में हमने अच्छे से लगा दिया और हमारे शुभ लाभ और स्वास्तिक गणपति जी पूरे अच्छे से चिपक चुके हैं। तो अभी मैं आपको इसको पूरा अच्छे से अपने हाथ में लेकर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो कंप्लीट हमारा तोरण कुछ इस तरीके से है। तो देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा है ना कि आपने खुद से ही खुद बनाया हुआ है, और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ का तो बात ही कुछ और है। एक और चीज़, आप इसे फोल्ड करके भी रख सकते हैं। मीन्स एक बार आप बना लीजिए और इसे फोल्ड करके आप रख सकते हैं और सालों साल इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि दिवाली वाले दिन यूज़ होगा या किसी और त्यौहार में, फिर उसके बाद ये ख़राब भी नहीं होगा, तो आप इसे फोल्ड करके रीयूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।